हम बात करते हैं दुनिया की तो हमें हमेशा डिफ्रेंसिएशन सूझता है, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के बारे में सोचें कि कैसे अमेरिका से डिफरेंट है, कैसे इंडिया के एक छोटा सा गांव का बंदा डिफरेंट है, कैसे कोई सिटीज के लोग डिफरेंट है, हमेशा डिफरेंसिएशन। कुछ लोग सिमिलैरिटीज के बारे में भी सोचते होंगे, लेकिन जो इंसान जो सबसे पहले लोगों के बारे में सिमिलैरिटीज के बारे में सोचते हैं, ही इज नन अदर देन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बातें की, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू क्लॉड लेवी स्ट्रॉस क्या होता है। Hey guys, what's up? This is Sakshi Patel and you're watching my channel Pages. So today we are going to talk about a very important sociologist known as Claude Levi-Strauss. Claude Levi-Strauss जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मेन इंटरेस्ट जो है वो है सिमिलैरिटीज पे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो अमेरिका के हो, चाहे कहीं के भी हो, एंटार्क्टिका के क्यों ना हो, वैसे तो एंटार्क्टिका में कोई मिलता नहीं है, लेकिन तो भी कहीं के भी हों, लेकिन उनको मतलब है लोगों के बीच के सिमिलैरिटीज से। आखिर वो क्या चीज है, क्या पैटर्न है जो लोगों को जोड़ कर रखता है, ठीक है? तो आज उसी के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इनकी बायोग्राफी के बारे में जान ले। ही वॉज बॉर्न इन बेल्जियम इन 1908। बाद में ये शिफ्ट हो गए थे फ्रांस में। फ्रांस में जब ये शिफ्ट हुए तो एक जेविश फैमिली में ये पैदा हुए थे। फाइन, इनके जो फादर थे वो एक पोर्ट्रेट पेंटर थे। वो पेरिस के सॉर्बोन से ग्रेजुएट हुए। इनका इंटरेस्ट जो था वो मेनली रहा है तुम्हारा फिलोसफी पे। फिर बाद में एंथ्रोपोलॉजी पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो फ्रांस में पढ़ रहे थे तो वो ट्रैवल करते करते गए अमेजोन पे, ठीक है, ब्राजीलियन अमेजोन पे, और वहां पर उनका जो फैसिनेशन है बहुत ज्यादा कल्चर पे हुआ। उन्हें कल्चर से प्यार हो गया, इस तरीके से प्यार हुआ कि अल्टीमेटली वो 20th सेंचुरी के सबसे फेमस एकेडमिक्स में रहे और कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में सबसे बेस्ट रहे। हाउएवर, रिटर्निंग टू फ्रांस, उन्हें थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा एंथ्रोपोलॉजी से। क्यों ब्रेक लेना पड़ा? क्योंकि वो फ्रेंच आर्मी, ठीक है, से लड़ रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। फॉलोइंग द एंड ऑफ द वॉर एंड फ्रांसिस डिफीट हो चुका था उस समय तक, फ्रांस बुरी तरीके से हार चुका था, तो जो डिस्क्रिमिनेशन है जैविश लोगों के लिए, जो कि ये जैविश फैमिली से बिलोंग करते थे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और वो फिर क्या हुआ कि उन्हें US जाना पड़ा और वो न्यूयॉर्क में फाइनली रहे। कुछ समय बाद न्यूयॉर्क में उन्होंने अकेडमिक पोजीशन हायर कर ली, दैट इज न्यू स्कूल फॉर सोशल रिसर्च इन न्यूयॉर्क। फाइनली जब थोड़ा माहौल शांत हुआ तो 1940 के आसपास बहुत एंड में वो फ्रांस गए दोबारा। वहां पर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में इन्हें काफी सम्मान मिला और 100 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म होता क्या है। देखो, स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मकसद ये है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि हर चीज के पीछे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसे सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, लिटरेरी थियोरिस्ट, लिंग्विस्ट सारे यूज करते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि जो कल्चर है, ठीक है, उसके पीछे या फिर उसके अंदर घुसा हुआ एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि फ्रेमवर्क है इंसानों का, फ्रेमवर्क है ना, स्केलेटन पूरा, उसी के ऊपर तो हम बने हुए हैं, राइट? ये काफी गंदा ड्राइंग है। हाँ, तो उसके बाद ही हमें पता चलता है कि हाँ ऐसे इंसान दिखते होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर हमें पता है। वैसे ही कल्चर जो है, ये देखो, ये जो कल्चर है इसका भी कोई ना कोई जरूर से स्ट्रक्चर होगा। अगर ये एक स्ट्रक्चर पता चल जाए ना तो ये एक यूनिवर्सल पैटर्न मिल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि पूरे दुनिया में किस तरीके से कल्चर काम करता है। बस बात ये है कि इसमें इंटर रिलेशन है लोगों का। ये जो इंटर रिलेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे कि ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशन रहता है कोई ना कोई, भले ही, और मिलके वो एक इंसान को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। वैसे ही कल्चर के जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में भी इंटर रिलेशन रहता है, पार्ट्स का इंटर रिलेशन रहता है, चाहे वो ह्यूमंस का इंटर रिलेशन हो, चाहे वो ह्यूमन का किसी नॉन लिविंग चीज से इंटर रिलेशन हो, लेकिन कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन रहता है, तब जाके कल्चर काम करता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म ही होते हैं इंटर रिलेशन से, तब जाके तो फॉर्म होंगे ना, अकेला सिर्फ इतना सा पार्ट थोड़ी ना
कुछ बड़ा काम कर जाएगा, ये सब मिल के कुछ काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है। ठीक, तो एक्चुअली हुआ क्या कि बात करते हैं कि वो कौन से लिंग्विस्ट थे जिन्होंने पहली बार इस स्ट्रक्चर वाले बात की, तो वो थे तुम्हारे फर्दिनेंद दे सुस्योर। ओके, कुछ भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, बाकी हमारे टीचर्स यही बोलते हैं। तो एक्चुअली है क्या कि जैसे सपोज फिश है, ठीक है, फिश है, इसे हिंदी में मछली बोलते हैं, देन माछी, कसम लैंग्वेजेस भी से माछी एंड ऑल, है ना। तो होता क्या है कि इसका नाम फिश रखा गया, लेकिन क्या शुरू से हम कोई अगर अगर कोई कुत्ते को भी फिश बोलेगा तो ऑब्वियसली समझ में आएगा ना कि दैट इज फिश ओनली, या फिर कोई टाइगर को फिश बोल देगा, ठीक है, या फिर सपोज किसी किसी चीज को भी कोई फिश बोलेगा तो ऑटोमेटिकली बोल सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बस चुका है कि हाँ ऐसा मछली दिखता है और हमें इसी को ही फिश बोलना है। इसीलिए तो हर कहते हैं कि यही जो इंटर रिलेशन है ह्यूमन ब्रेन्स का और स्ट्रक्चर का, वही बताता है किसी पर्टिकुलर चीज को, और सब चीज के पीछे क्या होते हैं स्ट्रक्चर। ऐसा कौन मानता है? ऐसे मानते हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट लोग जो कि कहलाते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट। अब ये लोग और किन बातों को मानते हैं? ये मानते हैं कि ह्यूमन लाइफ के पीछे ना स्ट्रक्चर की बात है, हर ह्यूमन लाइफ के नीचे स्ट्रक्चर जरूर लाई करता है। स्ट्रक्चर इन्फॉर्म करता है कि कैसे पीपल इंटरैक्ट करते हैं लोकली, या फिर किसी ट्राइब से, या फिर इन मैन जो है वो वुमेन से किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, तो जो लेवी स्ट्रॉस है ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं लिंग्विस्टिक से। लिंग्विस्टिक मतलब कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। वो हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे कोई भी लैंग्वेज जो होता है वो, देखो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, वैसे जो कल्चर है ना ये कलेक्शन ऑफ सिम्बॉल्स होता है। हो सकता है कि इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर सिम्बॉल का कोई मतलब ना निकले, लेकिन अगर इसको बना के मिक्स करके कुछ चीज बना दे, कोई पैटर्न बना दे, तो ये बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये यूनिवर्सल पैटर्न्स कहलाते हैं टू ह्यूमन थॉट एंड कल्चर एंड एक्शंस एंड सोशल लाइफ, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज के पीछे, हर एक्शन के पीछे, हर ह्यूमन थॉट के पीछे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूलाज को ओपन करने का काम है किसका काम है, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। तो कल्चर्स जो होते हैं इनके पीछे में एक हिडन रूल्स हैं, और वो जो रूल्स है ना उसी को अनकवर करेगा कौन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट और हमारे प्यारे लेवी स्ट्रॉस। तो बात है बाइनरी अपोजिशन की। बाइनरी अपोजिशन क्या होता है? इन रूल्स को अनकवर करने का काम, या फिर कोई तरीका सलीका जो निकाला है, वो है बाइनरी अपोजिशन का। अब ये बाइनरी अपोजिशन नाम जितना अजीब लग रहा है ना, उतना बहुत ही सिंपल और प्यारा है। तो देखते हैं ये होता क्या है। तो देखो, उनका मानना है कि अगर आपको ह्यूमन थॉट को काम करते हुए देखना है, या फिर समझना है कि हाँ ह्यूमन थॉट जो है वो काम कैसे करता है, तो आपको बाइनरीज सोचने होंगे। अगर देखो मैन है या फिर रात है, ठीक है, तो वो रात तभी है जब उसका अपोजिट में मॉर्निंग है। अगर रात ही रात रहती और तो फिर इसका कोई सवाल ही नहीं रहता ना कि हम उसका नाम रात रखते ही क्यों, क्योंकि हमेशा तो वही है ना, समझ रहे हो? वो चीज इतनी कॉमन है, हर टाइम रात है, सुबह भी रात है, दोपहर में भी रात है, रात को भी रात है, ठीक है, तो बात ही कोई नहीं करेगा ना उस बारे में, क्योंकि वो तो बड़ा कॉमन सा चीज है, क्यों बात करें उसके बारे में। लेकिन उसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि उसके शुरुआत में है मॉर्निंग। इंसान, सॉरी, मैन का इंपॉर्टेंस तभी है क्योंकि अपोजिट में है वुमेन, क्योंकि वुमेन्स भी हैं, इसलिए मैन के बारे में बात होती है। डेथ का उल्टा क्या है? लाइफ। रॉ का उल्टा क्या है? कुक्ड। तो बात ये जो लेवी स्ट्रॉस है ये ऐसा कर रहे हैं कि अपोजिशनल स्ट्रक्चर्स जो है ना ये यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह होते हैं। ये जो पैटर्न्स होते हैं यही ह्यूमन थॉट को बनाते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे इंडिया में रहो, चाहे ग्रीनलैंड में रहो, हर जगह रहो, आपको ये बाइनरीज हमेशा मिलेंगे, और यही आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इसी से आपको पता चलेगा कि ह्यूमन थॉट कैसे काम करता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ दोबारा ये कहते हैं कि मॉर्निंग का इम्पोर्टेंस तभी है, उसका मतलब तभी है जब रात है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट तुम्हारा हो गया पूरा लेवी स्ट्रॉस का स्ट्रक्चरलिज्म। आगे बात करते हैं डिफरेंट
लोगों के बारे में, ब्रॉनिस्लॉ मेलिनोस्की के बारे में भी हम बात कर चुके हैं फंक्शनलिज्म की, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म था बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप इसे लाइक करो, पूरा देखो ताकि सब लोग इसे पढ़ सके, क्योंकि नेट एग्जामिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोग को बताया कि नेट एग्जामिनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कैसे लगेंगे, पीएसयूज में जॉब कैसे लगेंगे। नहीं देखा है वाला लेसन तो दोबारा जाके मेरे प्रोफाइल पे आप देख सकते हो, ठीक है, मेरे पेजेस पे देख सकते हो। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं, आई एम ऑल्सो एन अकेडमी एजुकेटर। अगर आपको लगते हैं कि और टॉपिक्स में आप लोग को बताऊं तो आप लोग वहां जाके अन अकेडमी की वेबसाइट पे, अन अकेडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं मुझे सोशोलॉजी से रिलेटेड। मैंने बायोलॉजी भी पढ़ाई, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है। तो बाकी कोई डाउट्स हो तो राइट डाउन इन दी कॉमेंट बॉक्स एंड आगे बात करते हैं किसी और के बारे में। ओके, सो सी यू, बाय गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आपके प्यार बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, एंड बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स। और किसी को अगर प्रॉब्लम्स हैं तो देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, अगर किसी चीज से रिलेटेड, और मैं बिल्कुल से कोशिश करूंगी कि सुधारू, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो मैं उसे बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप लोग को रिप्लाई करूं। बाकी तो आप लोग के पास दोबारा प्ले करने का ऑप्शन रहता है, ये आप लोग कितनी चाहे उतने बार देख सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो और बताओ कैसा लग रहा है। सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।